अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो यार आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह। सुबह सुबह जा रहे हैं इस गर्मी धूप में, तो खूबसूरत है तभी जा रहे हैं। तो जगह का नाम है यार अम्ब्रेला वाटरफॉल, जो कि हवेलियाँ पुणे विलेज में है। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, बट सबसे पहले अभी मैं जाऊँगा हरिपुर, वहाँ से अपने कज़न्स को पिक करना है, क्योंकि जो रूट है उनको पता है, मुझे तो उस बारे में नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो अभी सबसे पहले जाएंगे, उनको पिक करेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे हवेलियाँ। तो आइए चलते हैं। तो यार अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद से थ्रू जीटी रोड आ रहे हैं, तो आप रश से बचने के लिए हरिपुर में हरिपुर बाईपास का इस्तेमाल कर सकते हैं और शाह मकसूद इंटरचेंज के करीब से एग्ज़िट कर सकते हैं। या फिर अगर आप हज़ारा मोटरवे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप शाह मकसूद इंटरचेंज या हवेलिया इंटरचेंज से एग्ज़िट करके अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरफ जा सकते हैं। रास्ते में ये मेरे पीछे ये एक सजीकोट वाटरफॉल है। तो अभी तो हमने जाना है अम्ब्रेला वाटरफॉल और रास्ता अभी काफ़ी रहता है, तो इंशाल्लाह इसका व्लॉग भी किसी दिन बनाएंगे। ये बड़ी खूबसूरत वाटरफॉल है। वो हंसती रहती है, कभी बोलती नहीं, राज मोहब्बत का वो कभी खोलती नहीं, क्या है उसके दिल में मैं जानता नहीं, मेरा दिल पागल है अब मानता नहीं, क्या क्या नहीं यार, दुआ कर उनसे इजहार हो जाए, दोनों की चाहत का इकरार हो जाए, इजहार हो जाए, क्या हसीन मौसम है, क्या समा सुहाना है, आज फिर अकेले में उनसे मिलने जाना है, मोहब्बत है मोहब्बत है। तो यार अगर आप वीकेंड पर यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं, तो आप सुबह आएँ ताकि आपको इजीली पार्किंग मिल सके। तो यार नीचे जाने का ट्रैक काफ़ी मुश्किल था और बहुत ज़्यादा रश भी थी। बड़े नम्मा को देखने के बाद हमारे हौसले भी बुलंद हुए कि अगर ये जा सकती हैं तो फिर कोई भी जा सकता है, और हमने अपना सफ़र नीचे की तरफ जारी रखा। तो यार फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं। रश बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इस साइड में रश है। ये हमने एक साइड से जगह ढूंढी है, बट यहाँ भी अब इधर उधर जाने का प्लान है, ये इस जगह पर ये है, देखते हैं क्या सीन है। फिलहाल है क्रैश काफ़ी और पानी चेक करेगा, तो बाकी जो अम्ब्रेला वाटरफॉल है वो इस साइड पे इसी सही रास्ता से पीछे से जाके इस जगह पे आती है, पर वहाँ भी इस टाइम बहुत ज़्यादा रश है, तो थोड़ी देर तक वहाँ जाते हैं। यार
अगर आप वीकेंड पे या फिर ईद के दिनों में आना चाह रहे हैं तो फिर ये आप सिचुएशन देख लेंगे ऊपर यहाँ से। और भैया यार आप रश की नोयत समझ सकते हैं, ये यहाँ से अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ से फिर आपको रस्सी की मदद से उतरना पड़ता है बीच में, या फिर ये है कि अगर आप में स्टेमिना है तो आप दूसरी तरह भी उतर सकते हैं। ये ज़रा आप देख लें यहाँ आवाम का रश।